नेक्स्ट थ्योरम, सपोज एफ डैश इज नॉन नेगेटिव एंड इंटीग्रेबल एंड जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए व बी. इसी तरह की कंडीशन हमने एक मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा था उसमें भी थी. तो इसकी मदद से हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है. और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का की यूज़ होगा, वहाँ इसकी एप्लीकेशन है. तो f हमारे पास डिफरेंशिएबल है और हर डिफरेंशिएबल फंक्शन चूँकि कंटिन्यूस भी होता है इसलिए f भी कंटिन्यूस हो गया. और g ऑफ x कंटिन्यूस गिवन है सिस्टम के अंदर, इट मींस कि अब हमारे पास f और g जो है वो मल्टीप्लाई हो गए. तो इसका f डॉट g, f g का यानी f g जो नया फंक्शन बनता है, प्रोडक्ट है दो फंक्शन का f और g का, ये भी हमारे पास कंटिन्यूस होगा. सिंस वी नो दैट f इज़ कंटिन्यूस, f इज इंटीग्रेबल, और उसके बाद देन द इंटीग्रल एग्जिस्ट. तो फिर जो इनका जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट करता है, इसका इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करेगा. बस पहली बात ये की गई है कि f इसका इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करेगा. तो अब यहाँ पर वी टेक g ऑफ x इज इक्वल टू ए टू एक्स जी ऑफ t एंड dt, या फिर हम ये कह लें कि g डैश इसका ये डेरिवेटिव जो है वो g ऑफ x के बराबर है. तो यहाँ पे अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगी. तो फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन रहा, ये सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल यानी g ऑफ t का इंटीग्रल हमारे पास कैपिटल g ऑफ x आता है, ये लिखा हुआ ऊपर दिस वन. और उसके बाद फिर माइनस इंटीग्रल ए टू बी जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव और जो सेकंड का इंटीग्रल था वो उसी तरह से साथ में आ गया. सिंस जी डैश इज नॉन नेगेटिव एंड जी इज कंटिन्यूस, देन बाय द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम इम्प्लाइज दैट, वहाँ पे भी हमें यही वाली कंडीशंस की थी कि इंटीग्रल, मैं उसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, इंटीग्रल एफ एंड जी ए टू बी वो था हमारे पास के इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स और टी एक्स. तो या यहाँ पे सॉरी इंटीग्रल ए टू बी था शायद, और यू एंड वी इज इक्वल टू यू ऑफ सी इंटीग्रल ए टू बी एंड वी डी एक्स, ये वाली फॉर्म थी. और वही फॉर्म अब यहाँ पे आ रही है कि u ऑफ c की जगह पर यहाँ पे क्या आ गया, g ऑफ c आ गया. बाकी हमारे पास वही फॉर्म है और इसमें और साथ में ये फंडामेंटल थ्योरम उसकी डेफिनेशन आ गई, उसके यूज़ आ गया. तो अब जो हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट बना था, आई मीन टू से जिसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने जा रहे हैं, कौन कौन सी इक्वेशन इसमें यूज़ हो रही है, अब 5.42 एंड 5.4. तो ये वैल्यूज हम 5.44 में पुट कर देंगे. तो यहाँ से हमें फिर ये रिजल्ट, जस्ट आगे कैलकुलेशंस हैं और इसमें कोई ख़ास काम नहीं है, जो वैल्यूज़ हैं वही आगे दोबारा से सब्स्टिट्यूट की गई हैं और उसी के साथ ही हमने इसको सॉल्व कर लिया है.